नमस्कार, मी स्वाती राऊत. फ्रेंड्स कट्ट्यामध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. आज माझ्या किचनमध्ये नाही आहे, पण माझ्या फ्रेंड्स कट्ट्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे माझ्या दिराची मुलगी. एक छानशी रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे, आणि लॉकडाऊनमुळे मी त्यांच्या घरी जाऊ शकत नाही, ती थोडीशी लांब राहते. लग्न झाल्यावर थोडीशी दूर राहायला गेली आहे, त्यामुळे मी काही जाऊ शकले नाही, पण ती तिकडून एक छानसा व्हिडिओ तुमच्यासाठी पाठवणार आहे, तो नक्की बघा. अजवाइन है थोड़ा सा, ये है धनिया पाउडर, पेपर पाउडर, चिली पाउडर एंड वेरी मेन इंग्रेडिएंट चाट मसाला एंड ऑफ कोर्स द सॉल्ट. ठीक है, अभी हम इसको धो के लिया है 6 आवर्स तक ओवरनाइट सोक करके लिया है. व्हाट वी डू इज वी जस्ट मिक्स दिस एंड मेक अ नाइस बैटर ऑफ इट. प्लीज इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अगर आप ज्यादा पानी डालते हो तो ऑयल ज्यादा सोक होता है एंड द वड़ा इज वेरी सॉफ्ट. ओके, सो आई विल जस्ट कुक इट नाउ विदाउट वॉटर. ऑलराइट, सो हमने इसको मिक्स कर लिया है. ऐसा मोल मरी कि बहुत थिन होना चाहिए या यू नो इट शुड बी नाइस एंड वड़ा लाइक. ओके, सो जस्ट रिमूव. ये अभी बेसिक यू नो शॉप वाला है, कोई भी दही ले सकते हो. उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर डाला है और हमने थोड़ा सा नमक डाला है. फॉर टेस्ट डोंट पुट अ लॉट ऑफ नमक बिकॉज़ यू डोंट वांट द दही टू बी वेरी खट्टा. ओके, सो वी विल स्टार्ट बीटिंग दिस. इट ऑलरेडी हैज यू नो लिटिल बिट ऑफ वाटर. अगर दही बहुत गाढ़ा है तो आप उसको थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं उसके अंदर, बट अगर check. Yeah,
ना, सो इट इज नॉट डन. अभी तक इतना ये नहीं हुआ है, ये बहुत ही लो है तो नीचे आ गया है. अभी थोड़ी देर. So we have to get the oil heated properly so that medium heat, ज़्यादा high heat नहीं. So दही बड़ा को actually दिल्ली में दही भल्ला भी कहा जाता है और ये बहुत ही yummy snack है. The idea is that I don't like dahi at all, you know, but मेरे को मेरे family के लिए cook करना बहुत पसंद है and this is one of my husband's favorite dish, so that's why I'm making it today. So I think the oil is heated now. Okay. It's almost like a medium heat. What we need to do is you can do it with a spoon, okay, or you can do it with a hand. I'm going to show you with a spoon also. So you can take little vadas. You can roll it out like that. Okay, you can roll it out like that and just put it inside, like a small bunch of it. एक और आइडिया है इसका. सो इफ यू डोंट वांट टू डू सो मच ऑफ मेहनत लाइक सोक दिस एंड ऑल ऑफ दैट, अगर आपके पास बॉइल्ड आलू भी है, यू कैन कुक इट लाइक दिस, यू कैन जस्ट फ्राई देम एंड इफ यू हैव दही, द सेम प्रिपरेशन, इट विल गिव यू अ आलू चाट. सो या, तो आई एम गोना मेक दैट एज वेल बिकॉज आई डोंट लाइक दही एंड यू नो सो एवरीबडी इन द फैमिली लाइक दही. बट हम लोग इसका दूसरा, इफ यू हैव सम इंग्रेडिएंट्स, इसमें आलू भी डाल के बना सकते हैं दही बड़ा टाइप्स. सो इट टेक्स अबाउट 2 to 3 minutes टू कुक अ बैच ऑफ दही बड़ास बिकॉज इट नीड्स टू कुक थ्रू. कच्चा नहीं रहना चाहिए बिकॉज आउटर कवर जल्दी से कड़क हो जाता है इसका, तो अंदर से वी नीड टू हैव इट नाइस एंड सॉफ्ट एंड एयरी एंड फ्लफी. सो वी आर ऑलमोस्ट, सो इफ यू कैन हियर द नाइस एंड कड़क, वी ऑलमोस्ट यू नो फ्राइड the vadas. This is with a spoon. Now I'm going to show you one batch with my hand. Okay. So you just wet your hands like that. Okay.
can take the vadas like that. You can also, you know, just give it a nice shape and put it. Yeah. स्पून से थोड़ा सा छोटा शेप आएगा एंड हाथ से यू कैन शेप इट इन अ यू नो इन अ नॉर्मल फैशन एंड पुट योर दही वड़ा. दही वड़ा का वड़ा इज ऑलमोस्ट रेडी. मैं आपको एक इसको ना तोड़ के दिखाती हूँ. लुक एट दिस नाइस एयर बबल्स यू कैन सी नाइस एंड फ्लफी एंड इट इज कुक थ्रू सब जगह से या एंड यू कैन ऑल्सो ईट इट like that. All right. So abhi lena hai ek you can take water and is sab vado ko hum dalenge andar soak karne ke liye. So jitna aapko jab bhi khana hai tabhi vado ko andar dal ke rakhiye because it will become too soft. So it will take about 5 to 6 minutes. ये पूरी तरह से वो वाटर सोक कर ले एंड कोई भी तेल यू नो ऊपर आ जाए. अभी करते हैं असेंबली दही भल्ला या फिर दही वड़ा का. ठीक है, सो आपने जो पानी में सोक किए हैं ये वड़ास, यू नीड, आप बहुत ज्यादा प्रेस करेंगे तो वड़ा का शेप बिगड़ जाएगा. थोड़ा सा प्रेस कीजिए. ओके, एंड यू नीड टू कीप इट आराम से पानी निकाल के पूरा इसके अंदर का. ओके, हाउ मेनी एवर यू वांट टू ईट यू कैन जस्ट यस आई गिव. ओके, सो यू कैन जस्ट पुट दिस इन दिस असेंबल दिस नाइसली इन अ ब्यूटीफुल प्लेट. ओके, सो दिस इज योर वड़ास. ऑलराइट, इट हैज अ नाइस लवली कलर. थोड़ा और फ्राई होने के बाद उसका जब भी पानी में डालते हैं थोड़ा उसका कलर भी अलग हो जाता है. चेक योर दही, इट शुड बी दिस कंसिस्टेंसी. सो नाइसली पोर्ड, नाइसली पोर्ड. जब भी पोर कर रहे हो तभी कितने अच्छे से इसमें सोक हो रहा है. नाइसली सोक ऑल योर दही बलास. I'll tell you mine. Okay, so you need to soak it. I think it's still not soaked properly. Okay, so once you soak it in the dahi, what you need to do is one minute, Mayra, hold on. Okay, what you need to do is ये टैमरिंड की और यू नो गुड़ की चटनी है, खजूर की जो मीठी चटनी आती है जो आप मैंने बना के रखी हुई है. यू कैन कीप इट इन द फ्रीजर. ओके, जस्ट पुट इट दिस वे एंड दिस इज मिंट, पुदीना और कोरिएंडर की चटनी. ये भी आप फ्रिज में बना के रख सकते हो. बहुत सारा चाट के ऊपर आप ये खा सकते हो. दिस टेस्ट रियली नाइस. Then this is a very main ingredient. Actually, इससे बहुत टेस्ट आता है. इसको जीरा को भून के पाउडर बनाना है. ओके, ये जीरा पाउडर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है दही भल्ला के साथ, दही बड़ा के साथ. सो आप इसको स्प्रिंकल कीजिए इसके ऊपर. Then little bit of धनिया जीरा पाउडर, धनिया पाउडर यू कैन पुट. I put a little bit of pepper. ये optional है, but pepper से भी you get this really nice, you know, this really nice taste. It's same. And of course the lal mirch, which gives this amazingly beautiful plate of color. And this is important, nice generous sprinkle of chaat masala, yummy yummy chaat masala. And this is also. So once you put the chaat masala, you can put a little bit of save on this.
अगेन दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल एक्चुअली, बट इट्स अ, अभी चाट में सेव नहीं डालेंगे तो फिर क्या ही डालेंगे, राइट? इसमें सेव डाल सकते हैं एंड दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट यू गेट. सो दिस इज आवर दही वड़ा एंड माय नेम इज बिनोली, हाय बिनोली पटेल, एंड दिस इज व्हाट वी हैव मेड फॉर यू. मायरा, व्हाट इज दिस? दही वड़ा. यम्मी. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो नक्की कमेंट्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. आणि मी आता नवीन नवीन रेसिपी आणि नवीन नवीन फ्रेंड्स तुम्हाला बघायला मिळतील, तर तुम्ही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बिनोलीसाठी खूप सारे कमेंट्स करा. थँक्यू.